लाइक शेयर कमेंट करें इस वीडियो पे और सब्सक्राइब कीजिए डेमोक्रेटिक चरखा को। जब से ये तीन नए कृषि कानून लागू हुए हैं, कई सरकारी पदों पर बैठे लोग, खिलाड़ी और यहाँ तक कि अलग अलग विभागों के लोग इस्तीफा देकर मेडल वापस करके आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। करथल जिला से एक सरपंच हमारे साथ हैं जो इस्तीफा देकर यहाँ पर तीन कृषि कानून के खिलाफ यहाँ पर किसानों के बीच में आ चुके हैं और किसान आंदोलन में जुड़े हुए हैं। सर, क्या नाम है आपका? बलविंदर है जी, बलविंदर, सरपंच खेड़ी लांबा कलायत कैथल डिस्ट्रिक्ट। सर, आप सरपंच थे, आपने इस्तीफा दिया, क्या वजह रही इस्तीफा देने की? वजह तो ये रही जी, जो ये कोरोना काल में मोदी जी तीन काले कानून लेके आए बंदरवाजे से, इसके विरोध में जो किसानों के खिलाफ विरोध में इसके खिलाफ सरपंची पद से इस्तीफा देकर पिछली दिसंबर की 7-8 तारीख से यहाँ परमानेंट विरोध कर रहे हैं। तो अभी आज सरकार से 7वें राउंड की बातचीत है, आज 4 तारीख है, 7वें राउंड की बातचीत है, आपको क्या लग रहा है, क्या उम्मीदें हैं सरकार से आज? देखो, बातचीत तो 6-7 दौर की हो ली, आज भी है बात तो 4 तारीख आज है। देखो, उम्मीद तो है भाई बात बन जाए, घर चले जाएं किसान सुख शांति से। हर रोज़ देखो पिछले 40-45 दिन से 50 लोगों की डेथ भी हो चुकी है, बड़ी दुख की बात है। देखो, उम्मीद तो है आज बात बन जाएगी। अगर आज सरकार, जैसा पिछले मीटिंग में सरकार ने कहा था कि आप कोई सब्स्टिट्यूट दीजिए, कोई और विकल्प दीजिए, तो ऐसे में और विकल्प क्या हो सकता है? विकल्प कुछ नहीं, बस तीन काले कानून ही वापस लेने पड़ेंगे, बस एक ही विकल्प है, तीनों को वापस दे करके जब भी किसान सहमत होंगे। जो हम रह रहे हैं, मोदी सरकार से अनुरोध है हमारा, या तो हमारे आज कानून मान लो, और नहीं हमारी तैयारी है कि ये देखो जी, माने पक्के टेंट बनाने का वो बना लिया है, टीन लगा देंगे यहाँ पर, आगे घोड़ों पर भी टीन लगावेंगे, क्योंकि हमारे घोड़े सर्दी की वजह से बीमार होने का खतरा है। आगे वहाँ भी जो सिंधु बॉर्डर है ना, उसके ऊपर पक्की टीन लगा देंगे। और मोदी से अनुरोध है कि आज हमारे जो आगू हैं, नेता हैं, उनकी बात को सुने और ये काले कानून वापस लें। अगला काम हम बाद में करेंगे, अगर कर दो तो वह भी गली कर दो, जो कर्जा माफ़ी है नहीं मारी वो कर्जा माफ़ी भी कर दो। अनुरोध हमारा, आप तो वोट दी थी माना मोदी जी, वोट हमारा खून पीने खातर नहीं दी थी, हमारे काम करने खातर दी थी। और एक आपका वो पत्रकार है, क्या नाम है उसका, समित पात्रा, वो कह रहा है कि हम जीते हैं, जीते किस वजह से हैं, वो सिर्फ राहुल की वजह से जीते हैं, वो सिर्फ राहुल गांधी की वजह से जीते हैं। अगर राहुल गांधी किसी चज का होता तो इसमें कोई वोट नहीं देता, हमारे पास विकल्प नहीं था इस करके मैंने वोट दे दी। अब हमारे पास विकल्प है, हम अपने किसान नेता हैं जो हमारे बड़े आगू हैं, उनको कहेंगे भी आप पार्टी बनाओ और हम अपनी वोट वोट ही देवेंगे, और अगर हमारी पार्टी नहीं बनी हम नोटा पर देवेंगे भाई, मोदी का दंदे को नहीं। लास्ट जोर जुलम की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुलम की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुलम की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुलम की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। सिंघू बॉर्डर पर जो किसान जमे हुए हैं उनके बारे में सरकार की तरफ से एक बात बार बार कही जा रही है कि ये खास समुदाय के लोगों का ही आंदोलन बन के रह गया है। कुछ ऐसे ही बात उन्होंने CNRC के आंदोलन के वक्त भी कही थी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक समुदाय के लोग नहीं बल्कि अलग अलग समुदाय के लोग शामिल हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे एक बाग में कई रंग के फूल होते हैं, और एक ऐसा ही रंग यहाँ पे हम लोगों को दिखाई दिया जब हम लोग चलते चलते आगे बढ़ रहे थे, यहाँ पर लंगर सेवा दिखाई दी मुस्लिम समुदाय की तरफ से भी, और यहाँ पर जो हमारे साथ अभी लोग हैं वो सभी मुस्लिम समुदाय से, और लेकिन उसी भावना के साथ सभी लंगर सेवा कर रहे हैं जैसे बाकी के लोग कर रहे हैं।
क्या नाम है आपका? एडवोकेट मुबीन फारूकी, और पंजाब से मलेरकोटला से हम बिलोंग करते हैं, और जिस दिन से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ है उसी दिन से हम यहाँ पे मोर्चा लगाए हुए हैं और यहाँ पे लंगर की सेवा हम कर रहे हैं। सरकार ये बात कह रही है कि, और सरकार के कई लोग ये बात कह रहे हैं कि ये जो आंदोलन है एक समुदाय के लोगों का ही बन के रह गया है, लेकिन आप लोग यहाँ पर जो मुस्लिम फेडरेशन ऑफ पंजाब की तरफ से आप लोग आए हुए हैं, तो आप लोग क्या इस बारे में कहना चाहते हैं कि ये एक समुदाय का ही आंदोलन बन के रहे? किसानों को अगर ये समुदाय में से जोड़ना चाहते हैं तो ये इनकी मानसिक बीमारी है इनको एक। अगर कोई भी एजिटेशन या कोई भी जो इनके खिलाफ बोलता है या कोई भी, जैसे ये काले कानून लेकर आते हैं, कोई भी इनके खिलाफ बोलता है तो उसको ये किसी न किसी अलग उसके साथ जोड़ देते हैं, किसी को धर्म के साथ जोड़ देते हैं, किसी को किसी गलत मूवमेंट के साथ जोड़ देते हैं, किसी को अर्बन नक्सल, किसी को टुकड़े टुकड़े गैंग, किसी को अभी आतंकवादी, किसी को खालिस्तानी, पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। ये जानबूझ के सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए लोगों का, ताकि जो बाकी लोग हैं जो यहाँ नहीं पहुँच सकते, जो नहीं अपनी आँखों से देख सकते कि यहाँ पर सिर्फ किसान बैठे हैं, और किसान भी यहाँ पंजाब के, हरियाणा के, राजस्थान, यूपी, सब जगह के किसान बैठे हैं। तो ये आप ये देखिए कि यहाँ सारे समुदायों के लोग ही हैं, सारे धर्मों के लोग ही हैं। तो इन चीज़ों को जब ये माइंड डाइवर्ट करने के लिए, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये ऐसी बातें करते हैं, तो जो मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो सच्चाई दिखाएं कि यहाँ पे क्या चल रहा है, कि कौन लोग यहाँ पे बैठे हैं। तो मीडिया भी, जो गोदी मीडिया है वो आपको पता ही है कि वो भी इनका इनके तलवे चाटता है। तो गोदी मीडिया भी यहाँ पे जब हम ये सर्व कर रहे थे जो लंगर, वेजिटेरियन है ये, जर्दा पुलाव है, मीठे और नमकीन चावल है, तो इसको भी गोदी मीडिया ने बता दिया कि ये बिरयानी बट रही है यहाँ पे। उनके लिए फिर स्पेशली हमने वहाँ पे लिख के भी लगाया कि आपकी आंखों पर पर्दा है गोदी मीडिया जी, ये बिरयानी नहीं जर्दा है। तो ऐसी चीज़ें जो हैं ये गुमराह करने वाली बातें हैं, और जो आपके जैसे चैनल हैं जो सही रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मैं उनको भी धन्यवाद करना चाहूँगा, उनको भी मुबारकबाद दूँगा कि आप जो हमारा लोकतंत्र है उसकी रक्षा आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि मीडिया जब तक सही बातें नहीं दिखाएगा तो दूसरी जो लोग दूसरे स्टेट्स में बैठे हैं उनको सच्चाई कैसे पता चलेगी। तो ये हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोगों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि आप जो यहाँ ग्राउंड ज़ीरो से जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो हम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आप लोग कहाँ कहाँ से आए? मलेरकोटला पंजाब से आए हैं, ये हमारे पंजाब मलेरकोटला से नेशनल जज हैं बॉडी बिल्डिंग के। हम लोग अलग अलग विषय से अलग अलग काम करते हैं, लेकिन हम इन किसानों के साथ इकट्ठे हुए हैं। देखो सबसे बड़ी बात ये है, एक मूवमेंट बताई जा रही है, वो एक मूवमेंट नहीं है। खाना तो हर इंसान ने खाना है, अगर फूड किसान होगा तो फूड होगा, अगर फूड होगा तो इंसान जिएगा। अब उसमें से सब धर्मों के आ जाते हैं, मुसलमान भी आ जाते हैं, हिंदू भी आ जाते हैं, सिख भी, ईसाई भी। अब अगर हम ये सिर्फ यही कहें कि किसान सभी धर्मों से ही हैं, ठीक है ना, इसीलिए हम लोग अपने अलग अलग शहर से, पंजाब से, हम ये इसी काम के लिए शुरू से करते हैं। अगर कहीं भी हो इसकी ज़रूरत पड़ती है हमें खाने की, तो हम वहाँ लगाते हैं स्टॉक। और आज सरकार की फिर से बातचीत है, आज 4 तारीख है, आज सरकार से 7वें राउंड की बातचीत है, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या कोई पॉजिटिव फैसला आ सकता है? देखो उम्मीद तो करते हैं हम पॉजिटिव फैसले के लिए, तो यहाँ डटे हुए हैं, अगर वो आएगा तो हमें सबसे ज़्यादा खुशी होगी, और जो लोग यहाँ रुके हुए हैं सर्दियों में वो अपने घर जा सकें, अपने काम में लग सकें। हम तो पॉजिटिव लेके चल रहे हैं इस पॉइंट को, वो आना चाहिए, किसानों के हक में आना चाहिए। आज 4 जनवरी और आज सरकार की किसानों से 7वें राउंड की बातचीत है, किसान इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं कि आज कुछ खास बात सरकार कह सकती है, हो सकता है उनके पक्ष में सरकार कुछ फैसला दे। अब क्या होगा कुछ देर में पता चलने वाला है, और हम लोग यहाँ से सिंघू बॉर्डर से लगातार बने हुए हैं, इसके बाद हम लोग टिकरी बॉर्डर और बाकी जो गाजीपुर बॉर्डर है उधर भी जाएंगे, और वहाँ की भी जो ग्राउंड ज़ीरो की रिपोर्टिंग है वो आप लोग तक पहुँचाने का काम करेंगे। लाइक शेयर कमेंट करें इस वीडियो पर, और सब्सक्राइब कीजिए डेमोक्रेटिक चरखा को।